एक पीटीसी दे चैनल नू लैके तुसी रोज़ महारा जिहड़ा ये जादूआई जी जिहड़ा चक्कर चला रहे हैं ये ठीक नहीं। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने तौर पर मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी, असी आप सारा मुलांकन कर रहे हैं, पर मैं बार बार इस गल्ल ते कर रहा भी कोई एक बंदा कहे कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी लाइव टैलीकास्ट है उहदे विच कोई पैसा लिया जाता। हुण तां सिर्फ एक मुद्दा आ कि पीटीसी चैनल जिहड़ा आ उहनूं इह जोड़दे आ भई इह पोलीटिकल पार्टी दा आ जां स्पैसीफिकली सरदार सुखबीर सिंह बादल दा आ, उहदे नाल जोड़ के कौम नूं भी गमराह कर ले यत्नशील आ। ते जे आपां मैं पहलां भी तां कहा सी बार बार क्योंकि पार्लीमेंट की तां लोड़ पऊगी जे पार्लीमेंट 'च कोई इशू जावे, ये तो पार्लीमेंट का हले इशू कोई नहीं क्योंकि कोई साढ़े लिए को थोड़ा खासा खासा तो ये अपने आप पैदा कर रहे हैं। कि मैं पूछना चाहना फिर हुण धर्म के बिच सीधी दखलदाजी नहीं कि लोगियां दूजियां सरकारां नूं कोसदे आ ते फिर हुण सचखंड दे विच इह अमृत गुरबाणी का प्रसार जाना ते हुण तुसीं तां सीधी आ के मैं खास समझदा सीधे लफ्जां दे विच आ के सीधी शुरुआत कर दित्ती आ। इदों वड्डी दखलदाजी होर की हो सकती आ कि एक धार्मिक मुद्दे नूं राजनीतिकरण करके जिहदा कोई अधिकार भी नहीं गा उहनूं आपां असैंबली दे विच लिजा रहे हां। सो ये मैं इन्हां दे एक्ट नूं हाईली कंडैम करदा, नाल इन्हां नूं इह भी कहना चाहुंदा कि इह 103 साल दे विच बड़ियां सरकारां आईआं ते बड़ियां सरकारां गईआं, किसी ने हीहा नहीं किया, जे टुक मात्र हीहा किसी ने किया भी आ वो करन तो बाद फिर उन्हूं अपने पछतावे दे हंझू जिहड़े बहाने पए। तो मैं निम्रता सहित इहनूं बेनती इन्हां नूं करदा मुख्यमंत्री साहब नूं, दिल्ली दे तुहाडे प्रधान केजरीवाल श्री अरविंद केजरीवाल उन्हां दे सूबेदार ना बनो, तुसीं पंजाब दे मुख्यमंत्री आ ते पंजाब दे मुख्यमंत्री ने पंजाब दे डिवेलपमेंट ते होर कारजां दे विच तवक्को देनी आ, धर्म दे विच गुरबाणी की चिंता ना करो, ये छेती थानू इहदा फ्रूटफुल एक्ट जिहड़ा सामने आ जाऊगा। इहदे विच की आ एज पर सैक्शन 144 144 ऑफ द सिख गुरद्वारा एक्ट स्टेट गौरमेंट नॉट टू इंटरफीयर विद गुरद्वाराज एक्सैप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट इट शैल नॉट बी लाफुल फॉर द स्टेट पास एनी बिल इन रिस्पैक्ट ऑफ विच ओनली पार्लीमेंट हैज एक्सकलूसिव पावर आ। सो इट इज़ क्लीयर इन द एक्ट के ये जी स्टेट गौरमेंट आ वो किसी पक्ष तो भी किसी तरह भी ये कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकती। मैं अपने तौर पर तो असी सारे मैंबर साहबान बैठे हाँ, असी ये तो सारा मशवरा भी किया कि इहनूं एक धार्मिक मुद्दे नूं एक पोलीटिकल रंगत दे के केवल दा केवल अपने सियासी आका जिहड़े दिल्ली दे विच बैठे आ उहनां नूं खुश करन दा बड़ा वड्डा एक यतन किया जा रहा। तो मैं कहना चाहुंदा कि इहो जिहियां आगां दे विच हथ ना पाओ क्योंकि धार्मिक मसले ये पचीदा हुंदे आ। आ एक्ट 1925 दा इसे करके बणिआ आ, पहलां भी एक वारी यतन होया सी पर वो यतन करके पिछे नूं मुड़ पै सके। सो इस करके नवी तो नवी रोज़ छेड़ छेड़नी वो चंगी नहीं मुख्यमंत्री साहब, तो मैं निम्रता सहित बेनती करदा कि इहो जिहे कार्ज जिहड़े आ इहनूं लड़ाई अकाली दल वर्सेज आ सरकार ना बनाओ। पहली गल तो यह कि जिहड़ा गुरद्वारा एक्ट है 1925 उहदे च किते भी ब्रॉडकास्ट जां लाइव टैलीकास्ट नाम दा कोई अक्षर ही नहीं लिखा हुआ। इन्होंने की किया क्योंकि उस कमेटी पर एक परिवार का कब्जा चले आ रहा है, तो उस परिवार ने एक टैलीविजन चैनल खोल लिया है, इतने है नहीं अज नहीं होगा अज नहीं होगा, उन्होंने चैनल खोल लिया जी। उन्होंने फिर की कहा कि क्यों ना सिख जगत दीयां भावनावां कैश किया जाए, गुरबाणी नाल भावनावां जुड़िया हुई हैं, पवित्र गुरबाणी है, सर्व सांझी है, सुकून मिलता है गुरबाणी सुन के, घर च गुरबाणी चलती हो बरकत आती है। तो उन्होंने 2012 के 11 साल वास्ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तो जिहड़ी गुरबाणी आती है वो
प्रसारण के अधिकार खरीद ले। जे तुहाडे चों 11 साल पहले कोई गया होवे उत्थे कि मैं भी बिडर हाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि कल्ले नूं देते कह लो जी। उस तो बाद उस चैनल नूं लवाउणा ही पैंदा अपने घर च केबल टीवी ते। इत्थे भी पूरी दुनिया च बसदी जिहड़ी सिख संगत है उन्हां नूं लवाउणा पैंदा और वो सब तो महंगा है। उहदे नाल 3-4 चैनल होर जोड़ के एक पैकेज बना के देंदे ने। आ लो जी तां मामला उठा कि फ्री टू एयर क्यों नहीं हैगी। गुरबाणी सबदी सांझी है, मनुखता दे भले दी है, इट शुड बी फ्री टू एयर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लगना चाहिए इत्थे। गुरु नानक साहब ने लिखी है भगतां दी बाणी दे विच, गुरुआं दी जिहड़ी सिख्या है वह तो प्रचार प्रसार करना चाहिए। श्रोमणी कमेटी को प्रचार प्रसार करने का बहुत बड़ा बजट है, होर की करते हैं। जदों असी ये कहता तो कहते जी टेंडर करांगे इस बार, क्योंकि जुलाई 2023 च एग्रीमेंट खत्म हो रहा है बादलों के चैनल नालों, ताइयों ये सानू लिआउणा पै रहा कि जे ना किया इस बार कुछ तो फिर 10-11 साल वास्ते गहने रख देना उन्होंने सारा कुछ। जिमें मसंदा तो गुरुद्वारे छड़ाए सी, ये मॉडर्न मसंदा तो असी पवित्र गुरबाणी छड़ाउणी है। तो उहदे वास्ते असी वकील बुलाए, बड़े बड़े वकीलों नाल सलाह मशवरे किए। तो मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अभी तुहानू दे देंगे। जो हरियाणे च गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी बन रही सी तां पंजाब वाली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी गई तो उन्होंने कहा जी ये तो इंटरस्टेट एक्ट है, स्टेट किवें बना सकदी असी बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीयर करता इट इज़ नॉट ए इंटरस्टेट एक्ट, इट इज़ ए स्टेट एक्ट। हरियाणा अपनी बना सकता, दिल्ली की अपनी हैगी है पहले ही, पंजाब अपनी बना, स्टेट एक्ट है जी। जे धामी साहब सुनते हो तो स्टेट एक्ट है सारे, तुसी वकील हो। मन हैरानी है मैनू अज सवेर दे लगे पे ने केंद्रीय एक्ट है ना, ना ना केंद्र फैसला लवे नाले तक कहिंदे आनंदपुर साहब दे मते सारे फैसले कहिंदे पंजाब लवे। मैनू कहिंदे रहिंदे ने फैसले सारे दिल्ली तो आउंदे ने, हुण कहिंदे ने ये दिल्ली फैसला लवे इत्थे ना करो। जिद्दे तां इहनां नूं फायदा हुंदा होवे उहदे दिल्ली फैसला कर ले, जिद्दे इहनां नूं कोई नुकसान हुंदा होवे उहदे भगवंत मान माड़ा हो गया। सो उस एक्ट के मुताबिक असी क्लीयर लिखा, मैं पढ़ के सुना दिना ये की क्या है। 2014 हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट के अगेंस्ट गए थे 2014 च 20 सितंबर नूं SGPC की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करती सी कि 1925 का एक्ट जिहड़ा वह इंटरस्टेट नहीं है, कि उहदे च पार्लीमेंट भी नहीं आ सकती, ये कल दे लगे संसद कर सकती है, संसद कितों कर सकती संसद। सो इस करके इहदे विच एंट्री 28 ते एंट्री 32 दे अधीन स्टेट जिहड़ा वो पावर रखता है कि वह कोई भी सोध कर सकता। मैं सोध भी नहीं कर रहा, पहली गल मैं अज ध्यान नाल सुन लियो गल, ना तो मैं कोई सोध कर रहा ना ही मैं वो अधिकार प्रसारण दे किसी गौरमेंट के अदारे में दवा रहा, ना ही मेरा कोई अपनी भूआ का मुंडा है, ना ही मेरे किसी रिश्तेदार का चैनल है भी इनू दे दो। मैं तो गुरबाणी दे एक निमाणा सिख होने के नाते गुरबाणी के प्रचार प्रसार वास्ते सारा आसमान खोलन का हकदार हाँ। मैं गुवाहाटी जावा, तुसीं हैदराबाद जाओ, कि अहमदाबाद जाओ, उत्थे होटल च रहो, होटल के PTC नहीं चलता, इहदा मतलब तुसीं गुरबाणी तो वंचित रह गए। नाले PTC नूं की प्रॉब्लम है, उन्होंने तो फायदा ही है, जिहड़ी चीज़ पहले टेंडर पा के जां पैसे लैके खरीदे सी राइट्स फ्री मिलणगे, वो PTC भी करे ना, असीं कहिंदे बैन करता भी PTC नहीं दिखा सकता, दिखावे PTC भी पर सारे दिखाउण बराबर नाल।
मैं समझ नहीं आती जिमें एक शहीदा की यादगार दे विच लगे हुए करोड़ों रुपये का हिसाब मंगदा तो कहते मीडिया से हमला है जी, मीडिया से हमला है जी, प्रैस से हमला है जी, प्रैस की आजादी से हमला है। मैं उस प्रैस कदों परती है जी, मैं कदों वो अखबार छपनों हटाता। अच्छा वो अखबार वाले कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कहता भी जिद्दे बुलाउणगे विजिलेंस वाले आ जाओ, उन्हें परसों बुलाए सी, कल परसों आए नहीं, अज रोस प्रदर्शन करते फिरते हैं। यदा मतलब बीमार तो है नहीं हो, यदा मतलब हजे तक किसी के बुलाए तो गए नहीं, यह हंकार टुटूगा। जे मैं ये कहां कि गुरबाणी पूरी दुनिया फैलनी चाहिए है, सरबत का भला मंगने वाली गुरबाणी, कहते पंथ से हमला, पंथ से हमला, ये PTC पंथ हो गया जी, प्रकाश टैलीविजन कारपोरेशन पंथ है ये, बाकी सारी नहीं। अच्छा सुखबीर बादल केड़े बिहाफ से विरोध कर रहे हैं, एज ए प्रेजिडेंट ऑफ श्रोमणी अकाली दल या PTC के मालिक के तौर पर विरोध कर रहे हैं, ये भी क्लीयर करे सुखबीर बादल, यूरोप बैठा कितने बैठा पता नहीं कितने गया है। सो असी की कर रहे हैं, असी जिहड़ा हुण लैके आ रहे हैं उहदे च मैं तुहानूं पढ़ के सुना दिंदा। हाँ जी, मेरे को है आ जिहड़ा एक्ट है रीऑर्गनाइजेशन 72 क्लॉज एक्ट, ये उहदे नां ते कहिंदे आ। इहदे विच ये लिखा होया है कि जिहड़ा गुरद्वारा एक्ट है, सिख गुरद्वारा 92 एक्ट है, वह उन्ना चिर सेंटर को भी रहूगा जिन्ना चिर पंजाब अपने लैजिस्लेचर के अंडर नहीं लेंदा, जां कोई पंजाब कानून पंजाब ने कानून बना हो दैन इट इज़ ए स्टेट एक्ट। कोई ये विच दो राय नहीं है कि स्टेट एक्ट है। हुण क्योंकि उधरों तहां तो दबाव पैंदा है भी आ की करी जांदे हुण, पहला टेंडर की गल तो मन्ने ना, यदा मतलब टेंडर पहले तो होंगे नहीं सी, टेंडर तो आ गए, हूँ टेंडर के भी कोई लै जाऊगा जी, अमीर बंदा आके बोली लाउणगे गुरबाणी की जी, गुरु नानक साहब की सच्ची गुरबाणी की बोली लाउणगे टेंडर बुला के, 2 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ 25 50 52, तो जोड़ा ज़्यादा अमीर होगा फिर लै जाऊगा वो, फिर वह चैनल लगाते फिर घर बई तुम हर बंदे फ्री टू एयर क्यों नहीं कहते। हाँ असी शर्तां उहदे विच जरूर मैनशन करांगे जो कल पूरा असी लैके आवेंगे एक्ट, कि अद्धा घंटा पहला अद्धा घंटा बाद प्रसारण तो लाइव प्रसारण तो कोई कमर्शियल ऐड नहीं आनी चाहिए, स्क्रीन पर कोई रनिंग कमर्शियल नहीं चलना चाहिए, ये बकायदा सी मेक श्योर करा जे किसी ने इस कानून तोड़िया तो उन्होंने असी नहीं फिर प्रसारण कर देवे, चाहे वह कोई यूट्यूब चैनल होवे वैब चैनल होवे ऑडियो भी पाया सी रेडियो हो जाए, कनेडा अमरीका च बहुत सारे रेडियो चलते हैं, ट्रकों वाले दूर दूर जाते हैं रेडियो सुनते जाते हैं, टैक्सियों वाले रेडियो सुनते हैं, तो जे किसी टैक्सी वाले ने गुरबाणी सरवण करनी तो अपने गड्डी रेडियो लगाए उस लाइव चलता होगा, तो नाल गड्डी चला ले नाल अपना गुरबाणी सरवण कर ले, इस की माड़ी गल है जी, मैं ये की मतलब हमला करता जी, जिमें सुखबीर कहते तो हमला करता गा तुम सिखी से, वो जनाब जी तुम ठेकेदार बने बैठे हो धर्म के इन्ने साल तो है, चाह के तुम कदे किसी जथेदार ला दें कोई किसी ला दें आपकी मर्जी मुताबक, तो वो हमले नहीं है, सब तो बड़ा डैमेज तो इन्होंने किया। सो इस करके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी को ही असी अधिकार दे रहे हैं, ये गल उन्होंने पहले ही लागे बोलना, अज पूछा तो है नहीं, अंग्रेजी की कहावत है लिटल नॉलेज इज टू डेंजरस, घट जानकारी बहुत खतरनाक होंगी है। पहले दिन तो हर तरह का नशा बंद, नशा छुड़ाने च माहिर डॉक्टर गुप्ता 9661 77000, बिना तोड़ तकलीफ तो बिना दाखिल होए बिना काम छड़े हर तरह का नशा छड़ो, शराब हैरोइन स्मैक अफीम गांजा चिट्टा पुक्की टीके गोलियां जीभ थले रखने वाली गोली तो छुटकारा पाओ, साड़ी दवाई 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, देश विदेश च दवाई भेजण दा खास प्रबंध है, पता आनंद दवाखाना सामने बस स्टैंड पटियाला, डॉक्टर गुप्ता 9661 77000।